मुकाबला चैंपियंस के बीच, कलेक्टर के हीरोज के सामने हैं ग्रैंड मास्टर के विलन्स, और इन दोनों के बीच फंसा है आपका फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। अगर विलन्स जीत गए तो न्यूयॉर्क उनका हो जाएगा, और अगर अच्छे लोग जीते तो न्यूयॉर्क के लाखों लोग आजाद हो जाएंगे। उम्मीद है तुम गेम के लिए तैयार हो छोटे भाई, डर गए हो तो बता देना। हाँ मैं तैयार हूँ, चलो शुरू करें। मैंने रूल्स में कुछ बदलाव किए हैं, बदलाव नहीं बल्कि गेम में कुछ और जोड़ा है। ये पॉड्स मेरी मर्जी के मुताबिक गेम की शर्तें बदलेंगे। अगला मुकाबला है फ्लैग की खोज। जो भी फ्लैग को खोज कर उस पर कब्जा जमाएगा वो ये गेम जीतेगा। ठीक है तो अभी आता हूँ तुम्हारा फ्लैग लेकर। फ्लैग का पता लगाना होगा, विलेंस को हराना होगा, ये गेम जीतना ही होगा। उम्मीद है मेरे खिलाफ कोई चालाकी ना की हो, पर क्या ऐसा मुमकिन है? फिक्र मत करो। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये कौन बोला? सैंडमैन? अरे तुम तो विलेन नहीं थे, तुम तो अपनी जिंदगी सुधारना चाहते थे। ग्रैंड मास्टर मुझे आजाद करने वाला है, लेकिन तुम और शील्ड तो हमेशा मुझे कैद करके रखते थे। मैं ऐसे कैसे बाहर जा सकता हूँ, वो भी इस रेत के तूफान से? आयरन फिस्ट, रेड हल्क, जाओ जाकर स्पाइडरमैन की मदद करो। गर्मी, रेड हल्क, थोड़ा और साथ। मुझे मत सिखाओ क्या करना है। हे दीवार पर रेंगने वाले, ओ समझ गया। सैनी मिट्टी का था, मिट्टी में मिल गया। ब्लास्टर और ये मीर। ओ तो आप लोग पहले मिल चुके हो, तो बताओ इन्हें कैसे रोके? एक बार पिघाला था तुम्हें स्नोफ्लेक, और आज दोबारा। क्या ये हो सकता है कि हम इसका बाहरी हिस्सा तोड़ दें? हाँ हाँ, अगली गर्मियों तक तो हो ही जाएगा, चलो हटो। मुझे एहसास हो रहा है, वो देखो वो रहा फ्लैग। ग्रेविटी नहीं रही, लग रहा है कि हम चांद पर हैं। ग्रैंड मास्टर वो गेम को बदल रहा है। तुम बर्फ के अंदर क्या कर रहे हो? कैप्टन अमेरिका गेम से बाहर हो चुका है। ब्रेकिंग न्यूज, ग्रेविटी आ गई, लेकिन अपने साथ लावा भी ले आई। अपनी पसंद की पार्टी, लावा से जलो या पूरे लोगों से पिटो। मुझे पार्टी पसंद नहीं, लावा की ओर चलते हैं, मेरा मतलब ऊपर से निकलते हैं। अब देखते हैं वो हमारा पीछा कैसे करेंगे। ए फ्रॉस्टी, सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ब्लास्टर गेम से बाहर हो चुका है। आयरन फिस्ट गेम से बाहर हो चुका है। अचानक से मुझे स्कूल में सिखाया गया साइंस याद आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी से पानी में क्या होता है? मुझे लगता नहीं कि एस्गार्ड में इलेक्ट्रिकल फायर्स होंगी, क्योंकि अगर होती तो तुम्हें पता होता कि 440 का झटका क्या होता है। यमीर गेम से बाहर हो चुका है। फिर से तुम्हें हरा दिया। बताऊं किसे चुना? स्पाइडरमैन को ही ना। सोचो कितना मजा आएगा जब मैं जीतूंगा और उसे तुमसे छीन कर ले जाऊंगा। ब्रेक नहीं दी हा? चलो ठीक है, टीम तो मिली, ब्लैक विडो, पावर मैन और स्कार। गेम क्या है? तोड़ने का, फोड़ने का और जीतने का। मुसीबत की बू आ रही है, जिसका नाम है अब्सॉर्बिंग मैन, डॉक्टर ऑक्टोपस और जैक्स। दोस्त, मैंने तो कोई फ्रेंडशिप बैंड नहीं बांधा। कार तोड़ेगा। नहीं, इतनी आसान हार नहीं, बुरा मत मानना स्कार। टावर के ऊपर चढ़ो जल्दी। आ, 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 आ,
ये पॉट्स, ये जरूर ग्रैंड मास्टर के गेम चेंजर्स होंगे। अब ग्रैंड मास्टर अगली चाल क्या चलेगा? मैं चाची? कम ऑन स्कार, इन सिविलियंस को बचाओ। तुम भी आओ पावर मैन। घबराओ मत, तुम सुरक्षित हो। विशाल शार्क्स। अब शार्क्स? कोई उन्हें समझाओ कि इस तरह के बदलाव बच्चों का खेल नहीं है। तुम्हारी चुनौती तुम्हारी अपनी टीम को ही हरा सकती है। मैं शार्क आने वाला नहीं बनना चाहता। बाल बाल बचा मैं। टाइम प्लीज। हाँ आखिरी कैदी सब मेरे हुए। आगे मत बढ़ना, पीछे हटो, उन्हें कुछ मत करना। डरो मत। नहीं, आप ठीक तो है ना? गेम में मेरा अगला बदलाव। पावर मैन और स्कार गेम से बाहर हो चुके हैं। दोस्त नहीं है लेकिन दुश्मनी का ये तो कबूल करो। बस अब कोई मीटियर्स नहीं, कोई बदली नहीं और कोई गेम चेंजर्स नहीं। नहीं जानना। अब्सॉर्बिंग मैन गेम से बाहर हो चुका है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने गेम पॉड को हाथ लगाया, और कोई होता तो तुम्हें गेम से बाहर कर देता। ऐसी गलत खेल की भावना मेरे भाई। वादा करता हूँ उसका प्लान कभी कामयाब नहीं होगा, और चाहे जो भी हो जीतेंगे हम। Infinite power.